यानी आजादी की सालगिरह। इस मौके पर दिल्ली में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। हम आपको दिखाते हैं मेट्रो और ट्रैफिक से जुड़े क्या क्या बदलाव किए गए हैं। देश अपने 69वें स्वतंत्रता दिवस के जोश से लबरेज। 15 अगस्त से जुड़े समारोहों के मद्देनजर दिल्ली समेत तमाम बड़े शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा एजेंसियों की नजर दिल्ली समेत देश में होने वाली हर हलचल पर है। सुरक्षा के मद्देनजर लाल किला के आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। लाल किला के लिए 7 लेयर सिक्योरिटी तय की गई है। 15 अगस्त के दिन सुबह लाल किले की प्राचीर से ही प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। गुरुवार रात से ही पुलिस ने नाइट पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। साथ ही अन्य राज्यों से दिल्ली में आने वाली गाड़ियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा तैयारियों को पुख्ता करते हुए राजधानी दिल्ली में शुक्रवार और शनिवार को सभी मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग बंद रहेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नोटिस के मुताबिक शुक्रवार शाम 6 बजे से शनिवार की दोपहर 2 बजे तक मेट्रो पार्किंग को बंद रखा जाएगा। ट्रैफिक की समस्या से स्वतंत्रता दिवस समारोह में खलल न पड़े इसके लिए लाल किले के पास की सड़कों को 15 अगस्त तक पुलिस ने सुबह 5 से 9 बजे तक बंद रखा है। तो आपने देखे तमाम तरह के इंतजाम जो किए गए हैं कल के लिए। फिलहाल इनसाइड स्टोरी 4 बजे स्पेशल में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।